भारतीय संस्कृति से सदियों से जुड़ा धर्म प्रचारक धर्म रक्षक पृथ्वी के धार्मिक जगत के मालिक स्वामी जगत पूज पांच करोड़ दसनामी ब्राह्मणों को जो चलते फिरते देवता हैं, उन शिवशियों को मेरा प्रणाम। संसार में धर्म सर्वश्रेष्ठ है सृष्टि के संहार करता भगवान शिव का नाम शंकर है जो कालों के काल हैं महाकाल हैं हम दस नामियों के इष्ट हैं आराध्य हैं चलिए हम सब मिलकर उनको याद करते हैं नमामि देवम वरदम वरण्यम नमामि देव सदा सनातनम नमामि देवाधि पीश्वरम हरम नमामि संभो जगदेक बंधु नमामि बिशेष्वर विश्वरूपम सनातनम ब्रह्म रूपम नमामि सर्व निज भाव गम्यम वरम वरण्यम वरदम नी आइए अब समझते हैं गोसाई और गोस्वामी का मतलब क्या होता है अर्थ क्या होता है गोसाई मूल है और गोसाई से गोस्वामी निकला है तो गोसाई और गोस्वामी का मतलब होता है संत श्रेष्ठ स्वामी मालिक पृथ्वी का मालिक धर्म का मालिक गौरक्षक जिन इंद्रियों का मालिक इतने सारे मतलब गोसाई और गोस्वामी का होता है आइए गोस्वामी कौन कहलाते हैं गोस्वामी किसे कहा कहा जाता है जानते हैं इंद्रिय जिसके वश में हो मन जिसका दृढ़ हो गोस्वामी कहलाता है जो वेदों का आचरण करता है जो वेदों का रक्षा करता है जो हिंदू धर्म का चार प्रसार अनेक दिशाओं में करता है गोस्वामी कहलाता है जो पृथ्वी पर धर्म की हानि को रोकता है गायों का प्रतिपालक है संरक्षक है वह गोस्वामी कहलाता है जिसका इष्ट आराध्य शिव है जिसका ज्ञान दिवाकर की तरह सूर्य के समान है जो ज्ञान की देवी मां सरस्वती का उपासक हो गोस्वामी कहलाता है आइए अब समझते हैं दसनामी का मतलब क्या होता है दसनामी कौन होते हैं सन्यासियों का साधुओं का तथा भिक्षुओं का एक संप्रदाय जिसमें दस उपजातियां होते हैं उसे दसनामी कहते हैं दसनामी इस प्रकार हैं गिरी पर्वत सागर पुरी भारती सरस्वती वन अरण्य तीर्थ और आश्रम ये दस उपजातियां दसनामी कहलाते हैं दसनामी संप्रदाय का इष्ट भगवान शिव है दसनामी तन मन और पूरी शक्ति के साथ दिन रात अपने इष्ट की पूजा करते हैं और इनका पूजा स्थल मठ या शिवालय होता है दसनामी संप्रदाय अपने भगवान शिव की तरह लोग का राष्ट्र का और समाज का और व्यक्ति का मंगल करते हैं दसनामी संप्रदाय भगवा वस्त्र और गले में रुद्राक्ष का माला धारण करते हैं ललाट पर त्रिशूल और शिवलिंग का प्रतीक बनाते हैं ये तीन रेखाएं, त्रिशूल का प्रतीक है और ये टीका जो है शिवलिंग का प्रतीक है दसनामी संप्रदाय में अद्भुत साहस और नेतृत्व की क्षमता होती है जिसके कारण दसनामी संप्रदाय धर, धर्म की अगुवाई करते हैं आइए समझते हैं ओम नमो नारायण का मतलब क्या होता है ओम नमो नारायण परम पावन मंत्र है सृष्टि के पालन करता पालनहर जगत पालक जगत संरक्षक भगवान विष्णु का मंत्र है पालनहर विष्णु को नारायण और श्रीहरि भी कहते हैं भगवान विष्णु जल यानी पानी में निवास करते हैं इसलिए भगवान विष्णु के उनके भक्त नारायण नाम से पुकारते हैं ओम नमो नारायण में तीन शब्द है पहला ओम दूसरा नमो और तीसरा नारायण ओम पहला शब्द ओम भगवान शिव का मंत्र है और भगवान शिव तीनों लोक और चौदहों भुवन भुवनों के स्वामी हैं। ओम सबसे उत्कृष्ट मंत्र है मंत्रों का मंत्र है जिस प्रकार भगवान शिव देवों के देव हैं महादेव हैं उसी प्रकार ओम मंत्र मंत्रों का मंत्र है जिसमें संपूर्ण जगत समाया हुआ है ओम पृथ्वी धारक है ओम मंत्र में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति और ऊर्जा छुपी हुई है इसीलिए इस पावन मंत्र को सारे मंत्रों के पहले जोड़ा जाता है दूसरा शब्द है नमो नमो का मतलब होता है भगवान को नमस्कार नमो का मतलब होता है भगवान को नमस्कार ओम नमो नारायण का मतलब मैं संसार के सबसे उत्कृष्ट पावन मंत्र से भगवान नारायण को यानी विष्णु को प्रणाम करता हूं अब सवाल उठता है कि दसनामी गोस्वामी समाज दसनामी संप्रदाय के लोग आपस में अभिवादन करते समय या तपस्या करते समय ओम नमो नारायण क्यों कहते हैं जबकि हम शिवशी हैं तो इसका उत्तर बहुत साफ है दसनामियों को धर्म की सबसे ज्यादा समझ होती है दसनामियों को धर्म की सबसे ज्यादा समझ होती है और भगवान नारायण विष्णु संतों के देवता है दसनामी का मतलब सन्यासी और सन्यासी का मतलब संत और संत के रक्षक भगवान विष्णु है जो सत्युग के प्रारंभ से ही साधु संतों की रक्षा करते आ रहे हैं क्योंकि भगवान विष्णु के हृदय में सदैव सन्यासी बसते हैं और सन्यासी सदैव रहते हैं और साथ ही साथ दसनामियों को भली भांति पता है कि जन्मदाता से महान पालन करता होता है संरक्षक होता है और पालनहार हमेशा जन्मदाता से महान होता है एक बात और दसनामियों को पता है कि हमारे इष्ट हमारे आराध्य हमारे पूज्य भोलेनाथ त्यागी हैं, बैरागी हैं। हमारे महाकाल प्रलयकारी हैं, विनाशक हैं, विध्वंसक हैं और संहार करता है भगवान शिव भी अपने संतानों की मंगल चाहते हैं भगवान शिव चाहते हैं कि उनकी संतान हमेशा विष्णु के हृदय में या बैकुंठ धाम में रहे हमारे इष्ट दशनामियों को सजैव जगत पालक भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में देखना चाहते हैं सकंद पुराण में शिव की महिमा का वर्णन किया गया है एक श्लोक है की पुण्यम माधो त्रितयाम मास्त साध्यम द्वाप्रे पक्षातो निरपा दृश्य अर्थ हुआ कि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य एक वर्ष में साध्य है वही त्रेता में एक मास में और द्वापर में पंद्रह दिन में साध्य है परंतु कलयुग में भगवान विष्णु को विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उसे दस गुना पुण्य होता है ओम नमो नारायण कहने से इस कलयुग में तुरंत दस गुना फायदा होता है जब दसनामी संप्रदाय आपस में ओम नमो नारायण कहते हैं तो सभी प्रकार के दुखों से परेशानियों से छुटकारा मिलता है ओम नमो नारायण मंत्र से जाप से एक दूसरे को कहने से लिखने से और सुनने से दो परिवारों में सुख शांति सुख समृद्धि एवं मंगल बना रहता है और भगवान विष्णु इस मंत्र को कहने वाले को बैकुंठ धाम में स्थान देते हैं मैं दंशनामी हूं अंततः यही कहूंगा कि जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय है उसे बहुत से मंत्र तीर्थ तप और योगों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो शिव की पूजा करते हैं उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं यदि भगवान शिव की पूजा नहीं किया जाए तो श्री हरि भगवान विष्णु अपनी पूजा को ग्रहण नहीं करते अपनी पूजा नारायण स्वीकार नहीं करते अतः भगवान शिव की पूजा सबसे ज्यादा सरल आसान है भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए बस इतना याद रहे विष्णु को शिव जानो और शिव को विष्णु जानो जगत गुरु ब्राह्मण ब्राह्मण गुरु सन्यासी सन्यासी गुरु अविनाशी आप सभी शिवंशियों को सन्यासियों को ओम नमः शिवाय ओम नमो नारायण हर हर महादेव प्रणाम